हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में जो है हम आईपीसी के कुछ महत्वपूर्ण जो सेक्शन है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ आईपीसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो आने वाले जो भी एग्ज़ाम है हमारे, या बिहार अगर हम बात करें बिहार एपीओ की या एमपीपीसीएसजे की, या जहाँ ऐसे कोई भी जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन या एपीओ के जहाँ पे जो है आईपीसी जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, चाहे वो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट सेक्शन कौन कौन से हैं उन सारी चीज़ों को देखते हैं। उससे पहले जो हम ये देखते हैं कि इंडियन पिनल कोड और उसके बाद कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें, तो आईपीसी जो 1860 का है और सीआरपीसी जो वहीं 1973 का है, इंडियन एविडेंस एक्ट जो है 1872 का है। अगर हम आईपीसी की बात करें तो टोटल जो चैप्टर हैं आज के इस वीडियो में जो यही हम कंप्लीट बात करेंगे कि आईपीसी के क्या इम्पोर्टेंट जो है सेक्शन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन फिर भी ये चीज़ें हम देख लेते हैं। तो आईपीसी में टोटल चैप्टर 23 हैं। टोटल सेक्शन की बात करें तो 511 सेक्शन है। वहीं टोटल सेक्शन अगर सीआरपीसी की बात करें तो 484 सेक्शन है। टोटल सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो 167 यहाँ पे सेक्शन दिया गया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो इंडियन पेनल कोड 1860 के कुछ महत्वपूर्ण जो धाराएं हैं उनके बारे में, जो अब तक की जब जितने भी एग्ज़ाम हुए वहाँ कहीं ना कहीं किसी भी, चाहे वो जुडिशरी का है चाहे एपीओ का है, वहाँ पे जो है ये सेक्शन पूछ लिए गए हैं सीधे तौर पे कि ये चीज़ कहाँ परिभाषित है, कौन सी धारा में परिभाषित है आईपीसी के अंतर्गत। तो डायरेक्ट जो सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो तो डील करेंगे करेंगे, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से आईपीसी का सेक्शन जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले यदि देखें तो यहाँ पे जो सेक्शन 8 है वो बताता है कि जेंडर के बारे में, ठीक है, यानी कि जेंडर कैसा हो, ये चीज़ें जो है ये सेक्शन 8 डील करता है कि जेंडर क्या हो। तो जेंडर में याद रखना यहाँ पे मेल और फीमेल, ठीक है, ये दोनों कवर होंगे। हम एक एक डिफिनेशन जो है हम आगे आने वाले वीडियोज़ में हम बताएंगे। अभी फ़िलहाल जो है देख लेते हैं कि कौन कौन सा सेक्शन इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ। सेक्शन 11 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण सा सेक्शन है, ये जो पर्सन यानी कि जो है पुरुष या स्त्री दोनों पर्सन में शामिल है उनके बारे में बताता है। सेक्शन 12 जो है पब्लिक के बारे में बताता है। सेक्शन 18 बताता है इंडिया क्या है। सेक्शन 19 जो है न्यायाधीश, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि न्यायाधीश के बारे में बताता है। सेक्शन 20 जो है न्यायालय कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बताता है। पब्लिक सर्वेंट जो है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये जो सेक्शन 21 में बताता है। वहीं यदि देखें ये यहाँ भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। सेक्शन 33 एक्ट या ओमिशन की बात करता है। सेक्शन 39 वॉलेंट्री यानी कि कोई काम स्वेच्छा से किया गया है कि नहीं किया गया है, या कोई क्राइम खुद किया गया है स्वेच्छा से या किसी के द्वारा बाई फोर्स करवाया गया है, तो यहाँ पे जो टर्म है वॉलेंट्रली उसको बताता है। देखिए यहाँ पे जो डेफिनेशन जो है किसी भी एक्ट में पहले दे दिए जाते हैं उसका मतलब यही होता है कि उस पूरे एक्ट में उससे संबंधित अगर कहीं भी कोई वर्डिंग आती है तो वो उसका मीनिंग जो है वही निकाला जाएगा जो डेफिनेशन क्लॉज में उसका अर्थ दिया गया है, ठीक है। इसकी वजह से कभी भी आप देखेंगे तो सेक्शन जो जो क्लास 2 है, सेक्शन 2 है या 3 में जो डेफिनेशन क्लॉज को रखा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये हो गया वॉलेंट्री जो 39 में बताया था है। सेक्शन 14 जो 40 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण सा सेक्शन है जिसमें जो अपराध के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये ज़रूर आप ध्यान से देखिएगा, अपराध जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्पेशल लॉ सेक्शन 41 बताता है। लोकल लॉ को सेक्शन 42 बताता है। और वहीं जो सेक्शन 43 जो इलीगल को बताता है, और सेक्शन 44 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो इंजरी को बताता है कि कोई क्षति हुई है कितना क्या है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो जो मूवेबल प्रॉपर्टी है यानी कि चल संपत्ति जिसे जंगम संपत्ति के कहते हैं, सेक्शन 22 में दिया गया है। सेक्शन 23 में रॉन्गफुल गेन यानी कि सदोष अभिलाप दिया गया है। सेक्शन 24 जो है डिसऑनेस्टली बेईमानी से। 25 जो है फ्रॉडुलेंटली। 28 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 29 जो है दस्तावेज। उसके बाद देखिए यहाँ ये तीनों जो है तीनों के तीनों जो लगातार क्वेश्चन जो है, ये 29A जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बताया गया है कब जो है जोड़ा गया था, इसे जो है इंसर्ट किया गया था
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो 2000 का है वो, उसके द्वारा सेक्शन 31 में जो है विल के बारे में बताया गया है। अगर वही चीज़ बात करें यहाँ तक, तो सेक्शन 45 जो है लाइफ के बारे में बात करता है, और वहीं जो साथ ही साथ जो 46 जो है डेथ की बात करता है। सेक्शन 50 ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि कौन सी ऐसी धारा है जो खुद धारा के बारे में बात करती है, वो है धारा 50 यानी कि सेक्शन 50। सेक्शन 51 जो है ओथ शपथ के बारे में बात करता है, 52 सद्भावपूर्वक, 52A जो है हॉर्बर यानी कि संश्रय, उसके बाद 53 जो पनिशमेंट की बात करता है। यानी कि अब तक जो है हमने यहाँ तक डिस्कस किया, लेकिन इसमें से क्या मुझे पढ़ना है, क्या इम्पोर्टेंट है, तो आपको खासकर एग्ज़ाम में ये देखना है, इससे नोट्स बना लेना है, सेक्शन 11 से बना लेना है, सेक्शन 12 से बना लेना है, 19 इम्पोर्टेंट है, 21 है, उसके बाद जो है 22 है, 24 है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन 40 है, उसके बाद जो है यहाँ पे सेक्शन 44 है, ठीक है, सेक्शन 50 है, सेक्शन 51, 52 और 53A, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट जो सेक्शन हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और भी देखते हैं इसके आगे के जो जो सेक्शन है वो क्या है। याद रखिए यहाँ पे सेक्शन 53, ठीक है, सेक्शन 53 जो है बात करते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की, ठीक है, कौन सा होगा। सेक्शन जो 63 है वो जुर्माने की रकम, जब भी कोई जुर्माना होता है तो उसकी रकम निर्धारण जो है इसकी परिभाषा जो सेक्शन 63 दिया है। 73 में जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन है, मैं पहले से स्टार लगा के रखा हूँ, एकांत प्रतिरोध के बारे में बात करता है, और वो जो अवधि है ये बता के रखा है कि जो है इसकी अवधि जो है टर्म पीरियड जो है ये सेक्शन 74 में बताया गया है। जनरल एक्सेप्शन जो साधारण अपवाद है वो देखिए 76 से 106 तक दिया है। 107 में जो है ये बात करता है किसी बात का दुष्प्रेरण, ठीक है, यानी कि जो अबेटमेंट है वो जो है 107 में बता के रखा है। अबेटर कई बार जो है पूछा गया कि अबेटर किस सेक्शन में है, तो 108 में बताया गया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यदि कह लिया जाए तो ये जो है 120A है, जो बताते हैं आपराधिक षड्यंत्र, ठीक है, जो CRPC के 196(2) और एविडेंस एक्ट सेक्शन 10 से जो है ये संबंधित है। तो ये जो है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये हुआ और दुष्प्रेरण हुआ, ये तीनों दोनों जो है, और वहीं जनरल एक्सेप्शन से भी जो क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं ये मेंस से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आपके ध्यान में होनी चाहिए। वहीं 124A जो धारा 124 है ये भी महत्वपूर्ण है, जो सीधे सीधे जो है राजद्रोह जिसे सेडिशन कहते हैं उनके बारे में बात करता है। 141 जो है विधि विरुद्ध जमाव की बात करता है, यदि कोई विधि विरुद्ध जमाव करता है इलीगल तरीके से उसको जो है पनिशमेंट 143 में दिया हुआ है। और वही जमाव जो है यदि कुछ कोई घातक चीज़ें लेकर के उपस्थित है, ठीक है, जिससे दूसरे को क्षति पहुँच सकती है, तो उसके लिए जो सेक्शन 144 दिया गया है। वही चीज़ बलवा जो 146 में दिया गया है, यदि कोई बलवा करता है तो उसकी अवधि जो है 2 वर्ष, जुर्माना या दोनों से ये होगा। 153A भी महत्वपूर्ण है, यदि कोई धर्म मूल वंश जन्म निवास स्थान वगैरह को लेकर के इसको आधार बना करके हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा है या कोई कार्य में बाधा डाल रहा है, तो उसके लिए जो है यहाँ पे प्रावधान जो IPC में 153A में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में जो है आता है ये भी महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन है, यहाँ पे सेक्शन है 159 जो दंगा की बात करता है, 159 जो बात करता है, इसके पनिशमेंट यदि कोई दंगा करवाता है तो उसे उसका पनिशमेंट जो सेक्शन 160 में दिया हुआ है, चैप्टर 9A 1920 में 1920 में जोड़ा गया था, ठीक है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो है संशोधन हुए हैं, ठीक है, जोड़ करके बनाया गया, उसको हमें ध्यान में रखना है। जैसे 171A जो अभ्यर्थी के निर्वाचन अधिकार वगैरह के बारे में बात करता है, और 171B ये जो है ब्राइबरी यानी कि रिश्वत के बारे में बात करता है, 171E पनिशमेंट यानी रिश्वत से संबंधित पनिशमेंट, ये तीन चीज़ें जो है यहाँ हमको एक साथ याद करना है, ठीक है। उसके बाद जो है हम आगे के पॉइंट देखते हैं। 191 से लेकर के 193 तक, यानी कि 191, 192, 193 जो है
फॉल्स एविडेंस से संबंधित, यानी कि पहला जो है, अगर कोई व्यक्ति फॉल्स एविडेंस देता है, मिथ्या साक्ष्य देता है, उसके लिए प्रावधान जो है 191 में है। और अगर वो मिथ्या साक्ष्य खुद भी बनाता है, ठीक है, उसके लिए प्रावधान 192 में है। और 193 में जो है इसके लिए दंड की व्यवस्था की गई है। वहीं अगर देखें सेक्शन 228A में जो है कुछ ऐसे अपराध हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि पीड़ित व्यक्ति की पहचान के लिए प्रकटीकरण होता है, वो कौन से अपराध हैं, 376A, B, 376C, DEF तक जो अपराध हैं अगर इससे संबंधित है, वहाँ पे जो है प्रकटीकरण की जो जो प्रावधान है वो जो है प्रावधान हमारे IPC में जो सेक्शन 228 है, 228A में है, जो है वहाँ पे किया गया है। तो हम जो है अभी पहला पार्ट जो है महत्वपूर्ण सेक्शन IPC का जो है हमने वीडियो बनाया, जो सेक्शन 228 तक कवर किया है। बाकी के जो सेक्शन है हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो ये जो है जितने भी मैं बता रहा हूँ यहाँ जो है, ये सारे क्वेश्चन जो सेक्शन है ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं PT के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इतना आप देख लेते हैं तो कोई भी ऐसा स्टेट जहाँ पे जो है IPC यदि PT या मेंस में रखा हो और आपसे छूट जाए, ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये जो हमने बताया है यहाँ पे सेक्शन, यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपको जो है जितने भी क्वेश्चन आते हैं वहाँ से वो सारे के सारे जो है मैच कर जाएंगे, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।